मित्रों, आज की इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है शंभु कुमार यादव और आप लोग देख रहे हैं एसका एकेडमी। आज की इस वीडियो में जीवाजी यूनिवर्सिटी से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है एग्जामिनेशन को रिलेटेड लेकर के। सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाले हैं उसको लेकर के आज है 13 तारीख, 7वां महीना 2023। आज ही के डेट में ये नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिस आया है और आज के डेट में मैं आप लोगों तक वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों तक मैं नोटिफिकेशन लेकर के आते रहता हूं, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए इन फ्यूचर अपडेट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है फॉर्म फिलअप करने का और क्या क्या है प्रोसेस सेकेंड सेमेस्टर में। इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ ध्यान रखिएगा, मैं सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप इंपॉर्टेंट डेट और कितना रुपया लगने वाले हैं, किस तरीके से फॉर्म फिलअप होगा वो सारा प्रोसेस बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर एडमिशन लेने वाले हैं बीएड में या लेने ले चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप, अभी अभी जस्ट एडमिशन लिए हैं, तो पर भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इससे काफी सारे अब आगे की जो नोटिफिकेशन होता है, आगे की जो बातें होती है वो आपको पता चलेगा, कितना फॉर्म फिलअप चार्ज लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है ये भी आपको पता चला है। अगर आप कोई पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या पूरे भारतवर्ष से कोई भी हैं, आप अगर बीएड डीएलएड किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी को दिलाना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। या आपको एग्जामिनेशन का कोई बुक्स लेना है बीएड का डीएलएड का तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। और हाँ, संपर्क करने से पहले आप व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख करके भेजें और कहां से बात कर रहे हैं और आपका क्या मैटर है, क्या किस विषय पे आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपको बुक चाहिए, एडमिशन चाहिए या किस विषय में चाहिए, तभी हम आपके साथ एंटरटेन कर पाएंगे, हम आपको रिप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपना नाम, लोकेशन और किस विषय में आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो चलिए तभी हम आपसे बात कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे आप लोग। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, देखिए एक बहुत ही ज्यादा वेल रेपुटेड यूनिवर्सिटी है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ये नोटिफिकेशन जो है एग्जामिनेशन का, ये 13/7/2023 को आया था और आज ही है 13/7/2023 हमारे इंडिया में। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परीक्षा क्रमांक, परीक्षा, ये सब चीजें नोटिफिकेशन है, ये अपने काम की चीज नहीं है। अधिसूचना, यहाँ देखिए सर्व संबंधों के सूचनार्थ, यह अधिसूचना कह जाता है कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर, जी हाँ मित्रों, जो सेकेंड सेमेस्टर में है अभी, जिसका सेशन क्या है, सेशन जिसका 2022 से 2024 वाला जो सेशन है उसकी बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में है जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को डिटेल से समझेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉलेज रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे एक्स स्टूडेंट हो या एटीकेटी वाले स्टूडेंट हो, एटीकेटी मतलब जिसका बैक लग जाता है एक दो सब्जेक्ट में, वो स्टूडेंट है कि परीक्षा सम्मिलित वाले तिथियों परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां निम्न अनुसार घोषित की जाती है। तो देखिए यह परीक्षा की जो डेट है, ये डेट अभी नहीं आया है, अभी फॉर्म भरने का डेट आया है, राइट। अभी किसका डेट आया मेरे प्यारे मित्रों, तो अभी फॉर्म भरने का डेट है, तो फॉर्म भरने का डेट जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है, चलिए हम इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम ताकि आप लोगों को देखे क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहला नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे, आवेदन पत्र नियमित शुल्क के साथ महाविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि, जी हाँ मित्रों, लास्ट डेट है आपकी फॉर्म भरने का अपने कॉलेज में, कॉलेज में जाकर के आपको फॉर्म फिलअप करना है या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर आप किसी काउंसलर के थ्रू एडमिशन लिए हैं या आप मेरे थ्रू एडमिशन लिए हैं तो आपका वो सारा काम जो है काउंसलर करके देता है या आपका जो मार्गदर्शक है या कॉलेज जहां से भी आप एडमिशन लिए वो करके देता है, अगर नहीं करता है तो आप अगर सेल्फ लिए एडमिशन तो आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा। वैसे तो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को ऑलरेडी सब कुछ पता चल गया होगा अभी तक में कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, फिर भी अगर आप अभी अभी जस्ट एडमिशन लेने वाले हैं या ले चुके हैं तो आपके लिए ये प्रोसेस बता रहा हूं, अगर कोई किसी के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो वो सारा चीजें करके देते हैं, ठीक है, नहीं करते तो आपको खुद करना होगा, राइट। तो क्या तारीख है, देखिए 20/7/2023 ये लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, जी हाँ मित्रों। अब उसके बाद सेकंड नंबर में देखिए क्या लिखा, आवेदन पत्र विलंब शुल्क 300 रुपया विलंब शुल्क के साथ महाविद्यालय यानी कि अपने कॉलेज में जहां पे आपका एडमिशन है उस कॉलेज में जमा करने का जो अंतिम तिथि है वो 300 रुपया विलंब शुल्क के साथ आप 22 तारीख तक जमा कर सकते हैं, जी हाँ मित्रों, मात्र 300 रुपया विलंब शुल्क के साथ यानी जिसको हम फाइन भी कह सकते हैं, तो वो देकर के आप 22 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, राइट। इसको करता हूं मैं थोड़ा सा इरेज, ठीक। अब चलिए बात करते हैं, देखिए आवेदन पत्र विलंब शुल्क 500 रुपया विलंब शुल्क के साथ महाविद्यालय में जमा करने का जो अंतिम तिथि है
वह कितना है 24, यानी कि जस्ट दो दो दिन का गैप दिया है। 24 तारीख को आप ₹500 विलंब शुल्क के साथ जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे का आप ज्यादा क्वेश्चन होगा दिमाग में कि एग्जाम कब होगा, कैसे पढ़े, तो एग्जाम का डेट अभी नहीं आया है। जैसे ही एग्जाम का डेट आता है तो मैं जरूर इस वीडियो लेकर के आऊंगा इस चैनल पे। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, और लाइक कर लीजिए, और अपने प्राइवेट में लाइक कर लीजिए, फेवरेट में लाइक कर लीजिए इस चैनल को, ताकि इन फ्यूचर के कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जी हाँ मित्रों, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। तो टेलीग्राम में भी हम स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड कर दिया करते हैं कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो, और उसका पीडीएफ भी शेयर कर दिया करते हैं। तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया होगा, उस टेलीग्राम में आप जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा, राइट। लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का। तो 24 तारीख तक ₹500 विलंब शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं। परीक्षा आवेदन पत्र विलंब शुल्क 1000। जी हाँ मित्रों, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1000 भी आपका विलंब शुल्क। देखिए ये कमाने का एक तरीका जरिया बना लिया है सरकारों ने, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। बाकी मैं इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये जो है बच्चे जो विलंब हो जाते हैं किसी भी कारणवश ट्रेवलिंग में, या कोई इशू हो जाते हैं फैमिली इशू या मेडिकल इशू, तो उन लोगों के लिए ये सब है। परीक्षा प्रारंभ होने के 3 दिवस पूर्व तक जो है महाविद्यालय के जमा करने की अंतिम तिथि। हाँ, तो फॉर्म जो है 3 दिन पहले तक भी भरा जाएगा, लेकिन वो ₹1000 लेगा, और एग्जाम से 3 दिन पहले तक आप फॉर्म भर सकते हैं ₹1000 फाइन दे करके, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है इस पूरे वीडियोज में। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रहा है क्लियर अच्छे से, ठीक है। आप लोगों को कृपा से, आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के असीम कृपा से आज मैं इतना बड़ा बोर्ड पे आप लोगों के साथ प्रेजेंट हो रहा हूँ। इस लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का, दिल की गहराइयों से आप लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के शुक्रिया से, आप लोगों की दुआ से, आशीर्वाद से मैं आज इतने बड़े डिजिटल बोर्ड पे प्रेजेंट कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो थैंक्स अ लॉट माय डियर ऑल डियर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर, एंटायर माय कंट्री, फ्रॉम एंटायर माय कंट्री, राइट, पूरे इंडिया से जहां से भी हैं, आप सभी को सबसे पहले तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। पांचवा नंबर में देखिए क्या लिखा है, परीक्षा आवेदन पत्र महाविद्यालय द्वारा जांचों उपरांत। देखिए महाविद्यालय क्या करेगा, आपकी परीक्षा फॉर्म को जांचेगा, आपका कोई फीस वगैरह पेंडिंग वगैरह तो नहीं है, या सब कुछ चेक करने के बाद अग्रसित करेगा। किसको अग्रसित करेगा, तो विश्वविद्यालय को, यानी कि यूनिवर्सिटी को फॉर्म फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। सब कुछ चेक करने के बाद फॉर्म कार्यालय भेजने की अंतिम तिथि जो है वो परीक्षा प्रारंभ होने के 2 दिवस पूर्व, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा उसके जस्ट 2 दिन पहले तक कॉलेज जो है आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करता है, अप्रूव करके, इच एंड एवरीथिंग कंप्लीटली चेक करके कॉलेज को फॉरवर्ड करता है, यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करता है। कौन करता है, तो कॉलेज, आप जिस कॉलेज में एडमिशन है वो कॉलेज क्या करता है, आपके सारा कुछ चेक कर लेते हैं, सब कुछ, वो पैसा तैसा का कोई भी ड्यूज वगैरह है, पेंडिंग वगैरह, तो वो सब क्लियर कर लीजिए पहले ही, ठीक है। तो ज्यादा बेटर रहेगा, कॉलेज मोस्टली क्या चाहता है, पैसा चाहता है आपसे। अगर आप स्टूडेंट है तो उसको प्रॉपर टाइमली अपडेट पेमेंट दीजिए, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर वो आपको फॉर्म अग्रेसित करने में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो कृपया आप अपना कॉलेज का जो फीस है वो प्रॉपर फिलअप कीजिए टाइम पे, ठीक है। और भी कोई त्रुटियां हैं आपके डॉक्यूमेंट संबंधी, कोई इरर है तो वो भी ठीक कर लीजिए। फिर क्या करेगा ये कॉलेज, आपके फॉर्म को अग्रेसित करेगा, यानी कि फॉरवर्ड करेगा, किसको, तो यूनिवर्सिटी को। फिर यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेगा, आपके लिए क्वेश्चन पेपर सब डिजाइन करेगा, सब कुछ बनाएगा, आपका एग्जाम लेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि परीक्षा से निम्न अनुसार शुल्क क्या लिया जाएगा, यानी कि आपका जो शुल्क है वो कितना लेगा यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, क्लियरली आप इसको विजिबल है आप लोगों को आई थिंक, ठीक है। देखिए परीक्षा शुल्क जो है वो 2000 है नियमित, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट का। परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क जो है वो, मतलब प्रश्न पेपर जो बन के छप के आता है, उसका ₹60। अग्रेषण शुल्क जो उसको इधर उधर भेजते हैं ₹50 उसका है। परीक्षा संचालन शुल्क जो है ₹250 है। कुल योग परीक्षा शुल्क जो है वो इस सब कुछ एड करने के बाद आता है ₹2360। ₹2360 ये जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप चार्ज है। लेकिन हाँ, आप कैफे में खुद से ये सारा प्रोसेस करेंगे तो आपको इतना ₹2360 लगेगा, लेकिन ट्रांजेक्शन आप किसी के थ्रू करवा रहे हैं किसी कैफे में जाकर के, तो ₹50 ट्रांजेक्शन चार्ज तो नॉर्मली लेते ही हर एक आदमी, ठीक है। तो ये है नियमित स्टूडेंट के लिए। अगर आप कोई पुराने स्टूडेंट है, भूतपूर्व स्टूडेंट है, तो आपको लगेगा यही सेम चार्ज, ठीक है, ₹2680, ठीक है। तो ₹2680 और यहाँ पे ₹2360। तो कोई भी बच्चे जिसका एग्जाम छूट गया हो, कोई पुराना स्टूडेंट हो, तो उसको लगेगा ₹2600। देखिए चार्ज बढ़ रहा था, इसलिए आपको लोगों से
विनम्र आग्रह है कि कृपया अपना एग्जाम छोड़े ना, प्रॉपर टाइमली दें। आप अगर एग्जाम छोड़ते हो, बाद में एग्जाम देते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो नया स्टूडेंट जो भी है, इस बात को ध्यान रखें, अगर आप एग्जाम छोड़ते हैं तो ये आपके लिए और ज्यादा वर्डन होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लॉट्स ऑफ मनी का इन्वेस्टमेंट होता है, काफी सारा पैसा खर्च होता है। एक सब्जेक्ट में अगर आपका 80-80 आया है, मतलब आपका बैक आया है किसी में, ये रुका है कोई सब्जेक्ट, पेपर में फेल हो गए थे, तो आपको एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरने का जो चार्ज है 930 रुपया। अगर दो सब्जेक्ट में आया है आपका बैक या 80-80 आया है, तो आपको आएगा कितना, 1480 रुपया फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा। 80-80 वाले सब्जेक्ट इसके साथ रेगुलर के साथ साथ भर सकते हैं, ठीक। तो ये सारा प्रोसेस था, ये फीस स्ट्रक्चर था, फॉर्म फिलअप चार्ज था। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई इशू होता है, जो आपके मन में, मस्तिष्क में और भी कोई क्वेश्चंस हैं, यहाँ देखिए लास्ट में बहुत ही हाईलाइट करके दिया गया है नोटिस, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको मैं आप लोगों के साथ जूम करके एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, सबसे पहले परीक्षा के आवेदन पत्र एवं संचालन ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए हैं, मतलब परीक्षा भरने का जो तरीका है, वेबसाइट है, वो सब अपडेट कर दिया गया है। एमपी ऑनलाइन, ये देखिए साफ साफ लिखा है, एमपी ऑनलाइन के G2G लॉगिन आईडी से महाविद्यालय अप्रूव के उपरांत, महाविद्यालय अप्रूव करता है, जी हाँ, जहां पे आपका एडमिशन है वो अप्रूव करता है, डाउनलोड कर परीक्षा शुल्क एमपी ऑनलाइन के किसी भी कियोस्क सेंटर में जमा कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये कॉलेज से अप्रूव हो जाएंगे अगर आपका फॉर्म, तो उसके बाद आप किसी भी ऑनलाइन सर्विस सेंटर पे, जैसे कि CSP ऐसे कुछ होता है, ठीक है, और एमपी में तो मोस्टली फेमस है एमपी ऑनलाइन के नाम से, ठीक है। तो कस्टमर सर्विस वगैरह जो होता है, जिसको हम कैफे भी कहते हैं, कैफे वगैरह में जाकर के आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो। अगर बाहर के स्टूडेंट है तो आपके लिए तो कोई ना कोई मेंटर होगा, जो आपको प्रॉपर एडमिशन से लेकर के डिग्री प्राप्त करने तक का कंप्लीट गाइड और सपोर्ट किया होगा। ऐसे ही आप लोगों को भी एक कंप्लीट मेंटोर चाहिए, जो कि आपके एडमिशन रजिस्ट्रेशन से लेकर के एडमिशन प्राप्त करने, फॉर्म भरने, प्रैक्टिकल्स, एग्जामिनेशन बुक, स्टडी मटेरियल, सब कुछ का जिम्मेदारी लें, आपको प्रॉपर टाइम पे अपडेट रखें और प्रॉपर चीजें सप्लाई करें। ऐसा मेंटोर चाहिए तो आप मुझे बुक कर सकते हैं, मात्र 1000 रुपया पेमेंट करके। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस नंबर पे सब कुछ चल रहा है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उसके बाद टेलीग्राम, उस नंबर पे आप मुझे संपर्क करेंगे। इतनी रेयर यू कैन रीच मी, एंड आपको क्या जेन्युइन समस्या है, उस समस्या का समाधान करा सकते हैं। मात्र 1000 रुपया पेमेंट करके आप एज अपना पर्सनल मेंटोर, पर्सनल गाइड बुक कर सकते हैं अपनी बीएड की जर्नी के लिए। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर में, अधिकृत महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि छात्र के विषय एवं उसकी पात्रता नियमानुसार एवं अथवा सही है या नहीं। देखिए आपके जो कॉलेज है वो सुनिश्चित करेगा कि आपकी जो सब कुछ है वो ओके है या नहीं, है ना, पात्रता वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद, छात्र का परीक्षा आवेदन पत्र जो है वो सब कुछ सही होने के बाद अग्रसित करेगा किसको, तो विश्वविद्यालय को। ये कॉलेज का जिम्मेदारी है, महाविद्यालय का जिम्मेदारी है। तो यही बात है, दो हाईलाइटेड चीजें हैं यहाँ पे, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब कॉलेज के हाथ में सब कुछ है, आपका सब कुछ चेक करने के बाद ही वो आगे आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए मौका दे सकता है। तो दैट्स ऑल आई इस वीडियो में, आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया। और ये जो नोटिफिकेशन है वो किस किस विभाग को भेजा गया है, यहाँ पे प्रतिलिपि में देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट, इसका जो अभी कुल सचिव है, कौन है इसका साइन समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है कुल सचिव जी से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आप कुल सचिव जी, जीवाजी यूनिवर्सिटी के कोई भी स्टाफ देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कृपया आप लोग एग्जाम का डेट फिक्स कीजिए और उसको बार बार चेंज मत कीजिए, क्योंकि बच्चे जो ट्रैवलिंग में होते हैं, जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा था, तो बहुत सारे बच्चे घर से निकल गए थे, तब पता चला कि एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो गया है। ऐसा ना करें, कृपया बच्चे को जो समस्या हो रहे हैं उसको फील करें। हम लोगों को जो बच्चे साथ में रहते हैं, ट्रेवलिंग में रहते हैं बच्चे के साथ में, तो काफी सारे समस्या होते हैं, उसके रहने खाने का व्यवस्था करना पड़ता है और साथ में ट्रैवलिंग का समस्या होती है। तो कृपया आप एग्जाम एक डेट फिक्स करें, तो बार बार उसको चेंज ना करें, ठीक है। यही आग्रह है जीवाजी यूनिवर्सिटी के स्टाफ से, जीवाजी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर से, ठीक है। तो मित्रों, आप लोगों के साथ मैंने जो अभी डिस्कस किया, आप लोगों को पसंद आया, बहुत अच्छा से समझ में आ गया सब कुछ, इधर चला गया, अभी नया नया ये बोर्ड लिया हो ना, तो इससे थोड़ा सा अभी यूज टू नहीं हुआ हूँ, तो इधर से उधर कभी कभी सक जाता है पीडीएफ वगैरह, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को शायद हेल्पफुल हो इन फ्यूचर इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है।
थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, जहां भी रहें खुश रहें मस्त रहें, और अपने घर परिवार का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें, अपने भाई बहनों मित्रों का ध्यान रखें, सभी का ध्यान रखें और सबके लिए अच्छा सोचें, यही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। और जहां भी रहे खुश रहे मस्त रहें और मचाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का दिन मंगलमय और शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।